ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਸ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚਪੇੜ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। जी ज़ाह साहब, कुछ बताइए हमें अजमान के बारे में। इस हसीन से पार्क में हम बैठे हैं और पता क्या जी, एज अ चेंज बैठे हैं कि हमने रोज़ रोज़ समंदर, हम तो लगता है समंदर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और इतना समंदर हमने एक्सपोज किया गुज़श्ता दिनों में। और ये अफसोस है कि अजमान आएँ और आप फिर समंदर ना दिखाएं, क्योंकि अजमान का समंदर इंतहाई हसीन समंदर है। सर मैं बताती हूँ आपको जी, यहाँ पे जो वैसे आप समंदर की बात कर रहे हैं, अगर टूरिज्म में और टूरिस्ट स्पॉट्स में अजमान की बात करें तो सबसे पहले इसमें आते ही अजमान के बीचेस और कॉर्निशेस हैं। आपको बहुत लाजवाब। और वो जो कॉर्निश पे जितने होटल्स हैं, जिसमें हम पहले अपना शो कर चुके हैं बाही अजमान पैलेस में, बाही अजमान पैलेस बिलाशुबा फेयरमॉन्ट और रमादा के साथ साथ जी यहाँ के बेस्ट होटल्स में से एक है। और फेयरमॉन्ट और ये तो बिल्कुल साथ है, हैंडशेक डिस्टेंस पे साथ खड़े हैं, दे टच ईच अदर। एग्जैक्टली। फेयरमॉन्ट सिर्फ इसलिए कि बहुत पुराना है, इंटरनेशनल चेन है, लेकिन बाही अजमान पैलेस में जो तगैयरात आए हैं, जो तब्दीलियां मैंने खुद अपनी आंखों से गुज़श्ता चंद सालों में देखी हैं, हैरान कुन है जी। और मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ कि उस जैसी सर्विस और उस जैसे एक दो स्पॉट्स आपको शायद एक आद के बारे में तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एक स्पॉट उसमें ऐसा है कि पूरे यूएई में शायद कहीं नजर ना आए। So, कौन सा? वो है इनका नजूम लाउंज, यानी ओपन स्काई। ओके। आप नजूम को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। इट इज अ शीशा लाउंज दो, लेकिन इसमें उन्होंने अलाउ नहीं कर रखा, बाहर अलाउड नहीं है। Oh, that's something great. तो शीशा वीशा चलता है ठीक है वो, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स बैठे होते हैं वहां पे, बड़ी शानदार गुफ्तगू शनीद हो रही होती है, और इस कदर हसीन लाउंज है वो, और ओपन में है। एक तरफ बैकड्रॉप स्काई स्क्रेपर्स का है, अच्छा, और दूसरी तरफ आपको एम्बियंस जो मिलता है वो होटल बाय नाइट का है। ओ। जैसे पीटीवी का रात गए चलता था ना, ये बिल्कुल रात गए वाला माहौल होता है। और मैं खबर आपको ये दे रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने चाहा खबर हार यूएई चैप्टर रियली सीज द लाइट ऑफ डे, तो इंशाल्लाह वो प्रीमियर हम करेंगे इसी नजूम लाउंज में। तो सर इसमें कोई शक वाली बात है? नहीं, वो मैं अब अगर मगर करना शुरू कर दिया यार, इंतहा होती है किसी बात की, और मुझे अफसोस होता है अपने हालात ये देखकर। मेरा कसूर सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि मैंने गलत लोगों पे बहुत ज्यादा डिपेंड किया। सर गलत लोग इन अ सेंस? गलत लोग यानी उन्हें भी इतना ही पता था चीजों का जितना मुझे था, इसलिए कि टेली प्रोडक्शंस इज अ डिफरेंट फील्ड, ये हाउस होल्ड स्टफ नहीं है। देखे ना, अगर आपने कार खरीदनी है, कार बेचनी है, प्लॉट खरीदना है, प्लॉट बेचना है, घर बनाना है, घर खरीदना है, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनमें कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई ताल्लुक रहता है। टेली प्रोडक्शंस इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, ये ऐसी है जैसे ऑयल रिफाइनरी है, इसके साथ हर एक का ताल्लुक नहीं होता। चुनाचे हम जिन दोस्तों पर तकिया करके बैठे थे कि ये यहाँ के जानू हैं, चीज़ों को समझते होंगे, वो बेचारे भी तालीमें बालगां के मरहले से गुजर रहे हैं, तो इसलिए ये डिले हुआ। लेकिन मैं अब यकीन से कह सकता हूँ कि अगर फरवरी के अंदर ये मामला ठीक नहीं होते तो फिर हम प्लान बी की तरफ निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली। और वो प्लान बी, वो मैंने कहा एक सरप्राइज। ओके। सो वैसे पता है आपको, जब आप ये अगर वगर करते हैं ना, तो फिर मुझे भी और आपके पेजेस पे भी इतने मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं लोगों का, ऐसे जैसे दिल टूट सा जाता है कि ये आपने कैसी बात कर दी। अच्छा, आप अगर नहीं कर सकते, वो कहते हैं खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, यहाँ पर प्लान ए के तहत खबरहार यूएई चैप्टर नहीं खुलता, यानी हम एक शो में अस्सलाम वालेकुम खबरहार यूएई चैप्टर में खुश आमदेद, मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल, नहीं होता। तो ऐसी क्या बात है, साल बाद सही पाकिस्तान में हो जाएगा जी, कैनेडा में हो जाएगा, और जो चीज़ आप प्लान बी के तौर पे देखेंगे वो यकीन कीजिए खबरहार प्लस होगी। आप कहेंगे छोड़ो खबरहार को, यही चलाओ। सर एक प्लान बनाते हैं हम और एक प्लान बनाता है अल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसी प्लान को इस्टेब्लिश करे जो मेरी ख्वाहिश है,
जो मैं सोच रहा हूँ। और वो क्या है? नहीं, ये भी एक सीक्रेट, मैं क्यों रिवील करूँ? जो बेस्ट अल्लाह वही करेगा, दैट्स इट। अच्छा, वो तो सारी बातें ठीक है जी हाँ, लेकिन ये सब कुछ क्या है? ये क्या है? तितलियां सी और की है? तितलियां नहीं बाजी, मैं तो तितलियां, तू तो पूरी बतख बनी पई है। क्लास अपनी जरा ना बंद रखिया कर। देखो आफताब साहब, हुण बहुत इंतजार हो गया, हुण असीं तुहाडे को काम लैण आए हैं। अज तुसीं साडियां झोलियां जिहड़ियां ना खाली नहीं भेजनियां। ये तुम्हारा गुरु है, तुम्हारी बाजी है, की है? ए ऑल इन वन किस पड़ोले दा बच्चा। नहीं, आप इस पार्क में क्या इतना मेकअप किए तैयार होए फिर रही हैं? हाय अल्लाह, मेकअप ते थे इतना महंगा है, मेकअप ते लभदा ही नहीं। ए ते नेचुरल ब्यूटी है साडी। नहीं नेचुरल नहीं, मैनूं पता वा, कंध ना मुंह रगड़ के आई है। जिथे खुरदरी जगह देखती है, उथे जे मेकअप करन लग जांदी है, जां उथे टप्पण लग जांदी है, फिर कहंदी है मेरे चित्तड़ छिल्ले। यार तुम मौका तलाश करती हो ये बात करने की, ये क्या कॉमेडी है? पता नहीं की बकवास मुंह जो आंदा करी जा, एदे कोलों पुछो जरा, होर थोड़ियां चीजां हुंदियां ने छिल्लण वालियां। नहीं असल बाजी, तू डेग दी चितड़ा पारा। ये तो है कोई बेअदब गुरु दी। आज आपका कोई नया चेला साथ आया? ये मेरी पिछला गया ये मलंगे चो। मलंगा क्या? हाय ला, फास्ट बॉलर नहीं हैगा श्रीलंका दा? मलिंगा। मलिंगा मलिंगा, ओदे नाल भी मेरा इश्क पेचा रहा ना। हां जी बाजी, मेरी बड़ी बद करदार आ। यार ये ढीले मुंह से क्या फजूल बातें करती है? केड़ा आखरी दी है जेड़े जड़े ही कुचेला पड़ाई? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੀ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਏ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਆ ਬਾਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸਨੇ ਆਪਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਖਿਦਮਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਡ ਹੈ? ਇਸਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਸੀ ਕੀ ਹੋਤੀ ਤੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਆਉਣੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਲਕਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਐਡੀ ਅੱਛਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੀ ਗੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗਿਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਡੀ ਖਰਾਂਡ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਦੋ ਅੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ? ਅੰਬ 16 ਹੋਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ, ਦੇਖੀ 18 ਅੰਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਓ ਲੈ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਘੱਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੜਗੈਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਐਡੀ ਮਕਾਰ ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੜਗੈਂ 'ਚ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਨੀ ਬਾਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀਆਂ ਨੀ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੀ? ਹਾਏ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਾਹਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇਰੀ ਛੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੰਬ ਨਿਕਲੇ ਆਈਏ। ਯਾਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਗਲੀਜ਼ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੌਬਾ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਚ ਗਲਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਤੇ ਗਟਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਚੋਰੀ ਤੁਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਬਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਆ। ਤੇ ਕੋ ਦੇਖ ਤੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਥਿੰਦੇ ਕੋ ਜੈਨੀ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਥੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਵਸੇਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਨੇ ਕੋ ਮੂਵੀ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਮੂਵੀਜ਼ ਕਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮੈਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਸੇ ਕੀਆ ਥਾ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਉਸਕੋ ਮਿਲਾ ਹੈ ਆਸਕਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਤਾ ਓਪਨਹਾਈਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡਨ ਗਲੋਬ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। लेकिन ओपन हाइमर बेशक बनी बहुत कमाल है, लेकिन वो नीच ऑडियंस के लिए, वो हर कोई नहीं देखता। जी जी, नीच ऑडियंस के लिए है, और ऑस्कर मैं समझता हूँ मिलता ही नीच ऑडियंस। हाँ। वो ये नहीं देखता कि फिल्म कितनी पॉपुलर है। जी तो नीच ऑडियंस के हवाले से ओपन हाइमर ले जाएगी, क्योंकि बहुत शानदार। देखो जी, नॉलन जो है ना, वो भी बड़ा बाकमाल डायरेक्टर, और फिर ये रिडली स्कॉट, ये भी बड़ा शानदार। उसने वैसे ऐलान कर दिया है ग्लैडिएटर 2 के बच्चों, ओपनहाइमर 2 कैसे बनाओगे? और वो बनाएगा बड़ा, हालांकि 84 इयर्स ओल्ड। ऐसा ही 84 कितने थे देन? 84 साल। 84 साल कितने होंगे बाजी? 96 दिया। ये ना करो ऐसी, 96 की नहीं लगती है, ज्यादा ज्यादा 86 की हो सकती है। चलो 85 की, मैं तो यूं ना देखो। कुर्बान जावा, वैसे की कट कीता जे तुसी? सर 80 साल की उम्र में रॉबर्ट डेनिरो के हां बेटा पैदा हुआ है। हाँ, ये भी एक बड़ी हैरत अंगेज बात है, और मुझे बहुत खुशी हुई है। रॉबर्ट डेनिरो तो फिर शहजादा है ना। और फेवरेट, मेरा मोस्ट फेवरेट। वैसे सही कुर्बे क्यामत नहीं है, बुड्ढे भी बाज नहीं आंदे पे। इसमें कुर्बे क्यामत वाली क्या बात है? हाय नहीं, तेनू बड़ा साड़ा बोने को, तेनू तकलीफ दी है। तेन पता नहीं बॉस का किड्डा फेवरेट आ बुड्ढा। नहीं वैसे इतना बूढ़ा नहीं, बड़ा हैंडसम है, बुड्ढा कदों है? वो तो वैसे बड़ा शांत, बिला शिरकत है, गहरे इस वक्त का बेस्ट एक्टर।
नहीं सर, हर लिहाज से वर्सिटिलिटी, मैं वर्सिटिलिटी को बड़े नंबर देता हूँ। गो के मेरे कुछ दोस्त एग्री नहीं करते, वो कहते हैं वर्सिटिलिटी क्या होती है, अदाकारी अदाकारी है। वो एक बंदा नहीं कॉमेडी करता ना करे, आप सीरियस रोल्स देकर देखें उसे, जैसे एंटनी हॉपकिंस है। अब एंटनी हॉपकिंस कैन नेवर डू कॉमेडी, ये नहीं कि ही कैन नॉट डू, ही विल नेवर डू। इवन जैक निकल्सन, उसने भी कॉमेडी नहीं, डार्क कॉमेडी की है, लेकिन रॉबर्ट डेनेरो, उसकी आप कॉमेडी देखें, पागलों की तरह अगर मैं हंसा हूं ना पिछले 5 सालों में, तो या वो मुन्ना भाई MBBS है, और या एनालाइज दिस एंड एनालाइज दैट। सो इसका मतलब है कि यू हैवंट सीन एनी मूवीज लेटली? नहीं नहीं, ये तो नहीं, मैंने फिल्म तो देखी है। कौन सी? एक बड़ी खूबसूरत फिल्म देखी है मैंने नेटफ्लिक्स पे। कौन सी? मैंने गालबन उसका तस्करा किया था शायद आपके सामने या किसी और के आगे। वो फिल्म देखने वाली है, और वो इसलिए बहुत खूबसूरत फिल्म है कि वो हॉलीवुड की फिल्म है ही नहीं। कौन सी? वो है फॉरगॉटन लव, वेरी गुड मूवी। इट्स अ पोलिश फिल्म डब्ड इन इंग्लिश। नॉर्मली मैं डब्ड फिल्में या सब टाइटल्ड फिल्में पसंद नहीं करता। नहीं, वो आप ऑडियो चेंज कर लेते होते हैं, डब नहीं हुई होती लेकिन आप उसका ऑडियो चेंज कर लेते हैं, चाहे ओरिजिनल सुने सब टाइटल्स के साथ या फिर उसको किसी भी लैंग्वेज में कर लें। नहीं नहीं, ये तो डब्ड वर्जन था, क्योंकि डबिंग का पता चलता है जी, क्योंकि उसमें एम्बियंस की आवाज उस तरह मैच नहीं करती। तो ये काम तो हम करते हैं ना, तो इसलिए हमें पता। लेकिन बहुत ही शानदार फिल्म, स्टोरी बेस्ड, एक लम्हे के लिए भी मुझे उसने इधर उधर नहीं होने दिया, और कोई बहुत तहलका खेज कहानी नहीं, सीधी सीधी कहानी बट ब्यूटिफुल। ह्यूमन सेंटिमेंट भी है उसमें, ड्रामा भी है, ट्रीटमेंट भी है, थ्रिल भी है, एंड ऑफ कोर्स रोमांस भी। सर वैसे अगर फॉरेन लैंग्वेज की देखें तो रशियन मूवीज बहुत अच्छी होती है। क्या बात, बहुत लाजवाब, रशियन एंड जर्मन। जर्मन, और अगर थ्रिलर देखनी हो तो स्पेनिश। जी जी जी, और दास बोट, द बोट, अगर आप आज भी देखेंगे ना तो ये टेक्स्ट बुक है नए डायरेक्टर्स के लिए, बहुत लाजवाब। रशियंस ने बड़ी खिदमत की है फिल्म में। ये जो एक बड़ा शानदार एक उसलूब हुआ करता था, कैमरा टिल्ट कर देना, पैन। अच्छा। नहीं नहीं, पैन करना तो ये होता है ना, वो टिल्ट कर देते, इसका जेनेरिक नेम पड़ गया, कैमरा रशियन कर दिया। ओहो जी, आज मैं सुल्तारी नहीं फिल्मों में चेंज करके घोड़ा भी उल्टते सुल्तारी आ रहे हैं, वो कह रहे हो ना, वो विच कर देंदे हुंदे सन साडे बेसबरे डायरेक्टर ना। जी जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਚੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰੀਦਾ ਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਪੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਹਸੀਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਫੁਲਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਆਪਕੇ ਅਕਾਮੋਂ ਕਾ ਤੋ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਪਕੇ ਅਕਾਮੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਆਪ ਫਹੀਮ ਸੇ ਫਹੀਮ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਰੇ, ਫਹੀਮ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਖਬਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਕਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੇਣ। ਬਸ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾ ਫੜ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਾਵਾ ਕੱਢ ਲਓ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਗੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? पावा? मुझे हर शहर का तो नहीं पता, लेकिन ओकाड़ा में बड़ी मशहूर पावा मार्केट होती थी, लेकिन अब तो खत्म हो गई वो। सर पावा मार्केट पावा भी जो है ना, ये लकड़ी के पाए, फिर बड़े हसीन इनके ऊपर रंग किए जाते थे मशीनों में लगाकर। पहले तो हाथ वाली मशीन होती थी ना, रंदा के अंदर, बाद में रंदा और चीज रंदा उसके ऊपर फेरा जाता। जी जी। तो उसको फिर खत्म कर दिया आकर मशीन ने, मशीन घूमती थी उसके ऊपर ही, फिर वो चेसल के साथ डिजाइन बनाते थे और फिर उसको रंग किया करते थे। वो इंडस्ट्री खत्म हो गई है। ये रंगीन पाए को मिलते हैं वाला रंगीन पलंग, अब ये उसकी जगह लोहे के आ गए या बड़ी लकड़ी के वो आ गए, जैसे चिन्योटी काम है। ये जामपुर में काम होता था, कसूर में होता था, ओकाड़ा में होता था, या खैरपुर सिंध में। हाँ, मैंने ये दसना जरा, हुण चिन्योट ते झंग नहीं बनदे हैगे? बनते हैं, बहुत कम है, बहुत कम। अब वो अंदाज बदल गया है, उस फर्नीचर का स्टाइल बदल गया, वरना ये जो रंगीन पाए थे ये तो दुल्हनों के साथ जहेज में दिए जाते थे। आप यहाँ पे कहाँ रहती हैं? फ्लैट में रहती हैं? मैं तो फ्लैट ची रहनी, बाजी तो मेरी तकलीफ ची रहती है। क्या तकलीफ है इनको? क्योंकि ऐसी कमरे दे अंदर सुतिया हुई है, बाहर पे ही हुंदी है। बाहर क्या कर रही होती है? पारू घेर नवास होर चौकीदारा कर दी है। फिर वही गल आ गई, मत पूछो। पहले कर लिया तो हुण मत पूछो। ਅਜਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਈ ਓਵਰਸ ਜੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਤੇ ਚੜਦੀ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਜੀ ਦਾ
ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਪੋਲਦਾ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਪੋਲ ਕੇ ਹੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਜਿਆ ਕਰ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਸਰਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੈਂਗ ਹੋ ਜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤਾ ਲੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਖੁਸਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਵਰਡ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਆਹੋ ਹੀ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣੇ ਭਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਨਸੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਖੁਸਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਜਮਾਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਤਾ ਰਹੀ ਸੀ वो तो खैर मैं जनरल इसलिए बता रही थी क्योंकि आपने बीच का जिक्र किया ये खैर बहुत से लोग जानते आपने हैं। स्टड फार्म का तस्करा नहीं किया यहाँ पर इलाके का इंतहाई शानदार बल्कि कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जी हाँ एक हॉर्स स्टड फार्म है और ऐसे ऐसे नायाब घोड़े ताजी नस्ल के यानी ताजा बताजा ओ ताजी मीन्स अरबी अच्छा अरबी ये ताजी अरबी घोड़ों को कहते हैं और ये 2002 से इस्टैब्लिश्ड है और ये जो नईमी फैमिली है यहाँ के रूलर्स हैं ये उनकी मिल्कियत है और बहुत लाजवाब देखने से ताल्लुक रखते हैं तो वो इतना बड़ा है कि 30 किलोमीटर में फैला हुआ हाय लन नाले कहंदे जमान निक्का जा हैगा वा तो 3 मीलां ते सिर्फ घोड़ियां दा डेयरी फार्म खिल रहा होया वा बाकी जमान पिछे किन्ना रह गया वा पहली बात तो ये घोड़ियां दा डेयरी शुक्र है इसने ये नहीं कह दिया घोड़ियां दा पोल्ट्री फार्म है घोड़ों का स्टड फार्म हाय लन डेयरी फार्म की हुंदा वो भैंसों और गायों का होता है ते स्टड फार्म हुंदा वा इसमें घोड़ों की अफजाइश नस्ल होती है जो निहायत कीमती लाजवाब बहुत बढ़िया नस्लों के घोड़े होते हैं वो और कुछ नहीं करते सिवाय तौलीद के उन्हें तौलीद की हुई नस्ल नस्ल कशी यानी बच्चे पैदा करना ये तो मतलब मौज तो फिर सिर्फ घोड़ियां दी हुई ना खुसरे नु इत्थे की ने पूछना उठ नहीं बाजी चली